हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बाबा। ये हमारे वीक 3 के क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो सॉल्यूशन है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ शॉपकीपर अर्न्स 54% प्रॉफिट ऑन आइटम आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। मतलब कि मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट देने के बाद जो प्रॉफिट अबव 54% है। फिर नेक्स्ट बोलता है कि हैड ही ऑफर्ड 4x% डिस्काउंट ही वुड हैव गेन्ड 26%। अगर 2x की जगह पे 4x% देता डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो होता है 26%। अब बोलता है कि हाउ मच परसेंट इज द मार्क प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। मतलब कि सीपी से मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एसएससी का, इस पर बहुत सवाल आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या समझना है। जैसे मान लीजिए कि ये सीपी है, ठीक है, तो सीपी में ना कुछ इसमें जब प्रॉफिट परसेंट ऐड करेंगे ना, तो वो होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में कुछ परसेंट ऐड करने के बाद प्रॉफिट जो होता है वही तो होता है सेलिंग प्राइस, उतना में वो सेल कर रहा है। ठीक है, और जो मार्क प्राइस होगा उसमें कुछ परसेंट देता है डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट देता है, तो वो यहाँ पहुँचता है। मतलब कि सीपी में प्रॉफिट परसेंट ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस मिलेगा, या उसी को बोल सकते हैं हम कि मार्क प्राइस में डिस्काउंट परसेंट घटाने के बाद हमको एसपी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो कि सेलिंग प्राइस जो है उसका वैल्यू कैसे आ सकता है, जो कॉस्ट प्राइस जो है उस पे अगर या तो गेन हो या लॉस होगा। ठीक है, तो अगर अगर यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे 100 प्लस माइनस गेन और लॉस परसेंट बाई 100, ये है कि जैसे मान लो कि अगर बोलता है कि अगर गेन गेन हुआ अगर, तो यहाँ प्लस यूज करेंगे और लॉस हुआ तो माइनस यूज करेंगे। जैसे बोलता है कि सीपी पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2। ये कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर बोलेगा कि गेन हुआ 25%, तो ये हो जाएगा 1.25। ठीक है, और वैसे ही हम लोग एसपी को लिख सकते हैं जो मार्क प्राइस है उस पे डिस्काउंट परसेंट, मतलब कि 100 माइनस जो डिस्काउंट परसेंट है वो बाई 100। जैसे मान लो कि बोलेगा 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.8, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, या इसको 1 माइनस R/100 लिख सकते हैं, सेम चीज़ है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मिनट, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो है कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस, मान लीजिए गेन होता है, मैं गेन लेके समझ रहा हूँ, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये ऐसे को लिख सकते हैं हम लोग, मार्क प्राइस में जो डिस्काउंट दिया हो उसने, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100, ये ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेलिंग प्राइस ही है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, और ये दोनों इक्वल तभी होगा जब ये वाला इसका जो रेशियो है ये हो जाए तुम्हारा यहाँ पे ये वाला वैल्यू, मतलब कि ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 रेशियो, और ये जो है ना ये हो जाएगा ये वाला वैल्यू, मतलब कि 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100। ठीक है, ये कैसे हुआ, जैसे मान लो कि बोलेगा, जैसे मान लो कि अगर बोलता है कि 2x = 3y देता है अगर, ठीक है, तो एक्स वाई का रेशियो कितना हुआ, एक्स जो हो जाएगा ये वाला, वो ये वाला वैल्यू हो जाएगा मतलब 3, वाई जो है ये वाला वैल्यू हो जाएगा 2, एक्स वाई का रेशियो हो जाएगा 2। ठीक है, जैसे मान लो कि बोलता है कि अगर 20% अगर डिस्काउंट देने के बाद जो गेन हो रहा है वो हो रहा है 30%, 30% गेन हो रहा है, तो हम जो सीपी और एमपी का जो रेशियो लिखते हैं, यहाँ पे लिखता है सीपी में होगा डिस्काउंट परसेंट, मतलब कि 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा 0.8 रेशियो एमपी, मतलब कि जो सीपी के साथ जो मल्टीप्लाई फैक्टर है, तो अगर 30% गेन हो रहा है तो ये हो जाएगा 1.3। ठीक है,
तो यही हमारा रेशियो हो गया, मतलब 8:13 हो गया। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे हम लोग, और इस वजह से बार बार सवाल पूछ रहा है सीजीएल 19 में, बहुत सारे सवाल आए हुए हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दिया है कि 2x% डिस्काउंट हम देने के बाद उसको 54% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि जो सीपी और एमपी का जो रेशियो है ना, सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो कितना होगा, जो डिस्काउंट वाला है वो सीपी में आ जाएगा, मतलब कि 100 - 2x/100 इज टू प्रॉफिट, जो प्रॉफिट वाला एमपी में चला जाएगा, मतलब 1.54, 54% डिस्काउंट मतलब 1.54 यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये केस वन हो गया। सेकंड केस में बोल रहा है कि हैड ही ऑफर्ड 4% डिस्काउंट ही वुड हैव गेन 26%, मतलब कि अगर डिस्काउंट देता 4x%, तो 100 - 4x/100 गेन कितना हो रहा है, 26%, मतलब कि ये 1.26 हो गया। ठीक है, ये पहले केस में ये आ जाएगा सीपी और एमपी का रेशियो, सेकंड केस में सेम रेशियो हमारा ये ऐसा आ जाएगा। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक्स कैसे निकलेगा हमारा, एक्स निकलेगा दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब कि 1/2 डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितना आएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 100 - 2x/100 - 4x इक्वल्स टू 154/126। अब देखो ये कट रहा है 14 से, 14 × 11 होता है, ये 9 होता है। ठीक है, अब देखो कितना हो गया वैल्यू, अब यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर दो, 1100 में से 900 गया, यहाँ 200 बचेगा, इधर देख कितना बचेगा, 44 में से 18 गया 26, 26x, तो जब हमारे एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 100/13, ये हमारे एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में है कि बोल रहा हाउ मच परसेंट इज द मार्क प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है 100/13, इसको हम ऊपर किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं कि अब मैं उस चीज को मैं यहाँ पे एक ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली सीपी और एमपी का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे एक्स इक्वल टू 100/13, यहाँ पे डालिए इस इक्वेशन में कितना हो जाएगा, 100 - 200/13, ये 100 दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 1.54 × 100 कितना हो जाएगा, 1.54 हो जाएगा। अब देखो 1300 में से 200 गया 1100, नीचे 13 है, 13 को यहाँ भेज देते हैं, 154 × 13 ये इंटू है, और देखो 11 से कट रहा है, ये 100 हो जाएगा, 11 से कितना, 11 × 11 = 14 14 × 13 कितना होता है, 140 + 42, तो हो जाएगा ये 182, ये हो गया हमारा CP = MP। यही पूछ रहा है हाउ मच परसेंट इज द मार्क प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, कितना ज़्यादा है, ये 82% ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो मेन चीज़ यहाँ यूज़ करना था हम लोग को, जो CP और MP का जो रेशियो है वो दो बार दो कंडीशन दिए बाद दोनों से दो इक्वेशन निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, वहां से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद एक्स को वापस किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से हम सीपी और एमपी को निकाल सकते हैं, उसका परसेंटेज निकालेंगे आराम से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज में और अच्छे क्वेश्चन के साथ।